कैंटोनमेंट बोर्ड में चेयरमैन बने पार्षद विनोद पवार। देहरादून के कैंट एरिया प्रेमनगर में बीजेपी हाईकमान और क्षेत्र के पार्षद विनोद पवार को कैंट बोर्ड का चेयरमैन की जिम्मेदारी दी और उम्मीद जताई है कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करते हुए अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। संवाददाता ने जब पार्षद से चेयरमैन बने विनोद पवार से बाजार में हो रहे व्यापारियों द्वारा अतिक्रमण के विषय में बात करनी चाही तो बात पलटकर विधायक के साथ मिलकर सबको साथ लेकर चलने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। क्षेत्र की जनता ने उम्मीद जताई है कि अब बीजेपी के कार्यकाल में विकास कार्य को गति प्रदान होगी। नवभारत समाचार देहरादून से अनिल कुमार गुरु की रिपोर्ट। पवार जी सर, आपको यहाँ पे कैंटर बोर्ड की बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम तो मैं अपने देश के प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी का, और सबसे ऊपर हमारे टिहरी गढ़वाल की सांसद महारानी माला राजलक्ष्मी शाह जी का, और साथ में हमारे यशस्वी युवा मुख्यमंत्री श्री धामी जी का, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मदन कौशिक जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने मेरे पर अपना विश्वास जाहिर किया और मुझे इतने बड़े पद पर नामित किया। ये मानी अभी आपको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी गई तो इसको किस तरह से आप इसको मतलब पूरा करने की कोशिश करेंगे? आपके जो लोगों की काफी उम्मीदें आपसे हैं तो उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैं 7 साल हो गए हमें, मैं यहाँ का सभासद हूँ, और जब हमें यहाँ मेरे को जनता ने अपने वोटों की ताकत से चुना था तो यहाँ पे काफी स्थिति खराब थी, विकास के काम काफी कम थे, तो हमने उन सब काम को पूरा किया है और जो छोटे मोटे काम और जो बचे हुए है और यहाँ की जो एक बहुत बड़ी जरूरत है प्रेमनगर सीवर की, उस प्रोजेक्ट को भी हमने पास किया था, वो काम अभी पेपर में अभी रुका हुआ था। मेरा सर्वप्रथम वही काम होगा कि मैं इस सीवर प्रोजेक्ट को प्रेमनगर में लाऊं, जिससे यहाँ की जनता को जो समस्या है वो दूर करूं, और बाकी जितने भी विकास के काम होंगे वो मैं जल्द से जल्द पूरा करना चाहूंगा। साथ में मेरे को एक जो बड़ी समस्या दिखती है कि प्रेमनगर वासियों की एक बड़ी समस्या ये है कि यहाँ कैंट ऑफिस यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है, तो बुजुर्ग महिलाओं को बहुत दूर जाना पड़ता है। मैं कैंट बोर्ड सीईओ से मिलकर यहाँ पर एक सब ऑफिस खुलवाऊंगा जिससे कि जनता को दिक्कत समाप्त हो, और वैसे ही कड़ी और डाकरा के लिए भी मैं उतने ही विकास के काम करूंगा जितने प्रेमनगर से। सर, एक सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ के यहाँ पर व्यापार मंडल है, उनकी कोई एक दुकानों को लेकर बहुत बड़ी एक परेशानी का सामना कर रहे हैं ये लोग, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या बोलना चाहेंगे आप इसके लिए? देखिए, हमारे लोकप्रिय विधायक श्री हरबंस कपूर जी इस काम में लगे हुए हैं और उन्होंने बहुत ही हाई लेवल में ये इसे उठाया हुआ है, और मुझे यकीन है कि उनके नेतृत्व में बहुत जल्द व्यापारियों को रिहैबिलिटेट किया जाएगा, और जो हमारे मुख्यमंत्री है उनका भी यही विचार है कि यहाँ की